देखी एक चिकित्सा पद्धति है। इस चिकित्सा पद्धति से हम शरीर की किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, हीलिंग करके अपने आप उपचार करके। हीलिंग यानी कि उपचार पद्धति, जैसे हम एलोपैथ में कोई बीमारी होती है तो दवा कराने जाते हैं, उस बीमारी से हम ठीक हो जाते हैं दवा करके, या कई बार नहीं भी ठीक होते हैं, उसके अपने कई कारण होते हैं। बहुत टाइम तक हम इलाज कराते रहते हैं एलोपैथ से, लेकिन ठीक नहीं हो पाता, या कुछ बीमारियाँ ठीक होती हैं, कुछ बीमारियाँ नहीं ठीक होती। अब रेकी से जब हम उन्हीं बीमारियों को ठीक करने की बात करते हैं तो कैसे ठीक कर सकते हैं। पहली बात तो रेकी को सीखा जाता है किसी भी गुरु के द्वारा, किसी भी रेकी मास्टर के द्वारा। सीखने के बाद रेकी मास्टर शक्तिपात करता है, शक्तिपात कर देता है, तब वही शक्ति उस व्यक्ति के अंदर भी आ जाती है और उसी शक्ति के द्वारा अपने हाथों से वो हील करता है। हील करता है तो उसके शरीर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो रिलीज होती है और पॉजिटिव एनर्जी जाती है। रेकी एनर्जी शरीर में जाती है और नेगेटिव एनर्जी जो है बाहर आती है, जिसके कारण उसके माध्यम से बीमारियां ठीक हो जाती है। जैसे घर के अंदर या घर के बाहर हर दिन कूड़ा करकट जमा रहता है, और अगर हम झाड़ू पोछा ना लगाएं तो वो कूड़ा करकट जमा होते होते बहुत ही गंदगी फैल जाएगी, जिससे कि वहां पर बैठना दुभर हो जाएगा, हम बैठ नहीं पाएंगे। और लगातार ऐसा ही होता रहा तो एक दिन हम उस घर में बिल्कुल ही नहीं रह पाएंगे। इसलिए हम उस घर की हर दिन सफाई करते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, जिससे कि हम उस घर में रह पाए। उसी तरह से हम अपने शरीर की धूल मिट्टी को, गंदगी को साफ करने के लिए हर दिन नहाते हैं, साबुन लगाते हैं और उसको फिट रखते हैं, इसलिए हम हमारा शरीर ठीक रहता है। अपने कपड़ों को भी हम हर दिन धुलते हैं, इसलिए धुलते हैं कि हमारे कपड़े गंदे हो जाए। अगर हम कपड़े ना धुलें हर दिन तो हमारे कपड़ों से बदबू आने लग जाएगी और हम अपने कपड़ों को पहन नहीं पाएंगे। और उसी तरह से हमारे शरीर में ढेर सारी नेगेटिव एनर्जी, खराब एनर्जी आती रहती है किसी भी माध्यम से, हमारे सोच के कारण। हम हर दिन अगर दुख में रहते हैं, किसी बात को लेकर चिंता में रहते हैं, परेशान रहते हैं, उलझे रहते हैं, या किसी ने कुछ कह दिया, या अपने ही करियर को लेकर, अपने जीवन को लेकर, अपने परिवार को लेकर, अपने रिश्तों को लेकर हम चिंता करते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में नेगेटिव एनर्जी आती है। उसी नेगेटिव एनर्जी के कारण हमारे शरीर में बीमारियां फैलती हैं, और उस बीमारी को ठीक करने के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, इसलिए वो हमारी बीमारी ठीक नहीं होती। कई बार डॉक्टर बोलता है कि, जांच करने के बाद बोलता है कि आपको कोई बीमारी ही नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन फिर भी हमारे पेट में गैस बन रही है, हमारे रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा है, या हमारे घुटने में दर्द हो रहा है, हमारे हड्डियों में दर्द हो रहा है, हमारे सिर में दर्द हो रहा है, या डायबिटीज हो गई, या इस तरह की कोई भी बीमारी हो जाती है और ठीक नहीं होता है, लाइफ टाइम में दवा खानी पड़ती है। लेकिन रेकी पद्धति जो है, रेकी पद्धति सीखने के बाद हम खुद ही अपने शरीर की हीलिंग कर पाएंगे। जब रेकी सीख लेंगे तो अपने शरीर के द्वारा, अपने हाथों के द्वारा, अपने शरीर की जब हम हीलिंग करेंगे तो हमारे पूरे शरीर से जो नेगेटिव एनर्जी है वो निकल जाएगी, खत्म हो जाएगी, और वो बीमारी अपने आप उसी के साथ समाप्त हो जाएगी। इसके लिए कोई भी दवा खाने की जरूरत नहीं है, कोई एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। रेकी जापान की चली हुई विद्या है और ये बहुत ही पुरानी विद्या है, ये तंत्र मंत्र नहीं है, ये बहुत ही आसान है, सीखना भी आसान है। रेकी मास्टर के द्वारा सीखा जाता है और उसे आराम से हीलिंग करके ठीक कर ले जाता है। तो उसे कोई भी सीख सकता है, सीख कर अपने लेटे लेटे बैठे बैठे हीलिंग करेगा और वो अपनी बीमारी को ठीक कर पाएगा। इसलिए कि नेगेटिव एनर्जी बाहर निकलेगी, जो खराब एनर्जी है, जैसे हम घर के अंदर की धूल मिट्टी को साफ करके बाहर निकाल देते हैं तो घर साफ रहता है हमारा, गंदगी नहीं रहती है, बदबू नहीं रहती है। उसी तरह से हम अपने शरीर की हीलिंग करते हैं तो इसका मतलब हम घर शरीर की सफाई कर रहे हैं। नेगेटिव एनर्जी, धूल मिट्टी, जो गंदगी जमा है, खराब शक्ति जमा, खराब ऊर्जा आ गई है, उसको हम हील करके हर दिन साफ कर देते हैं। जब साफ रहेंगे तो शरीर में बीमारी नहीं पैदा होगी। उसी तरह से शरीर की धुलाई करते हैं, हर दिन नहाते हैं, साफ रखते हैं तो शरीर से बदबू नहीं आती है। कपड़े की हर दिन धुलाई करते हैं, साफ रखते हैं, इसलिए शरीर कपड़ा हमारा साफ रहता है, हर दिन हम उसी कपड़े को पहन पाते हैं। उसी तरह से शरीर के अंदर जो गंदगी जमा हो जा रही है किसी भी कारण से हमें पता नहीं चलता है, उसी शरीर की गंदगी को हीलिंग करने के लिए, धुलाई करने के लिए, सफाई करने के लिए हम हीलिंग करते हैं। इसका तरीका क्या है हीलिंग? पहले तो हम जब सीखते हैं तो सीखने का तरीका क्या है, वो तो दो दिन में सिखाया जाता है। रेकी को दो दिन में सिखाया जाता है, फर्स्ट डिग्री दो दिन में सिखाई जाती है, सेकंड डिग्री दो दिन में, थर्ड डिग्री दो दिन में सिखाई जाती है, और उसके बाद आगे की पांच डिग्रियां होती है, मतलब कुल मिलाकर पांच डिग्रियां होती है। फर्स्ट डिग्री में अगर कोई व्यक्ति सीखता है तो सीखने के बाद
वो उसी दिन से अपनी हीलिंग करके अपने शरीर की कोई बीमारी ठीक कर सकता है। हीलिंग करने का क्या तरीका है, जैसे कि मैं अपनी हीलिंग कैसे करूँगा, उसका तरीका यह है कि हम दोनों हाथों को पहले जोड़ेंगे, बोलेंगे, रेकी एनर्जी को कॉल करेंगे, आई थैंक माई सेल्फ, आई थैंक रेकी एनर्जी, आई थैंक माई पेरेंट्स एंड टीचर्स, आई थैंक माई बॉडी। इसको हिंदी में बोलेंगे, मैं अपना धन्यवाद करता हूँ, मैं रेकी शक्ति का धन्यवाद करता हूँ, मैं अपने माता पिता एवं गुरुओं का धन्यवाद करता हूँ, मैं रेकी शक्ति का धन्यवाद करता हूँ। इस तरह से इन्वोक करके हम दोनों हाथों को अपने आंखों पे रखेंगे 3 मिनट, फिर कनपट्टी पे रखेंगे 3 मिनट, फिर कानों पे रखेंगे 3 मिनट, फिर सिर के आगे और सिर के पीछे 3 मिनट, उसके बाद दोनों हाथों को पीछे, फिर एक हाथ गले पर घुटी के नीचे, एक हाथ पीछे, फिर दोनों हाथ यहाँ पे रखेंगे और हार्ट चक्र पे दोनों हाथ 3-3 मिनट सब जगह रखेंगे, फिर सोलर प्लेक्सस पे 3 मिनट रखेंगे, उसके बाद हम पेनक्रियाज पे रखेंगे, फिर लंग्स और यहाँ लीवर है इसके ऊपर रखेंगे, नाभि से नीचे 3 मिनट, फिर 3 मिनट हम सोलर रूट चक्र पे रखेंगे, 3 मिनट घुटनों पे रखेंगे, फिर 3 मिनट यहाँ पे रखेंगे। इस तरह से करके फिर पीछे साइड में करेंगे 7 पॉइंट पे 3 मिनट में हील करके, और ये करीब 1.25 घंटे का टाइम लगता है। हर दिन अपनी प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे शरीर में जितनी भी गंदगी है, नेगेटिव एनर्जी है, जिसकी वजह से शरीर में दर्द रहता है, शरीर में कसाव रहता है, मन में उलझन रहती है, तनाव रहती है, बेचैनी रहती है, कहीं बीमारी है, कोई और बीमारी है, स्पाइन की बीमारी है, कमर में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, गैस की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, आंखों की प्रॉब्लम है, सिर दर्द रहता है, इस तरह की कोई भी बीमारी शरीर में है, तो पहले दिन से ही आपको बहुत आराम मिलना शुरू हो जाएगा। और हर दिन जब हम इतना टाइम लगाएंगे अपनी हीलिंग करेंगे, लेट कर या बैठे बैठे किसी भी तरह से 3-3 मिनट करते रहेंगे, तो हर दिन हम और ज्यादा स्वस्थ होते चले जाएंगे और बीमारियां खत्म, और सफाई और सफाई और सफाई, जितनी सफाई होती चली जाएगी उतनी ज्यादा हम ठीक होते चले जाएंगे। तो रेकी को हम कैसे हील करते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके शरीर में अभी कहीं इस समय दर्द हो तो बताइए, मैं हील करता हूँ, उससे आपको आराम मिलेगा। पीछे तो ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर आपको हीलिंग करता हूँ, आप देखिए कि आपको कितना आराम आता है। इस इधर सीधा बैठ जाइए थोड़ा सा, हाँ आराम से। कहाँ पे दर्द रहता है, यहाँ, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, मैं कुछ मिनट ही हील करता हूँ। I thank myself, I thank the energy, I thank my parents and teachers, I thank my partner, Mr. Rajmohan Gupta. रेकी से पहले हम क्लींज भी कर लेंगे, जो भी नेगेटिव एनर्जी है पहले हम इसकी क्लींजिंग कर लेंगे। क्लींजिंग करने से मतलब सफाई कर लेंगे, जैसे हम कोई भी जख्म हो जाता है शरीर में उसकी सफाई करते हैं फिर दवा लगाते हैं, उसी तरह से पहले हम सफाई करते हैं इसकी नेगेटिव एनर्जी को। नेगेटिव एनर्जी की वजह से ही शरीर में दर्द रहता है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है,
कोई भी शरीर में कोई भी बीमारी जब होती है तो वो जरूर कहीं ना कहीं शरीर में नेगेटिव एनर्जी के कारण ही होती है। नेगेटिव एनर्जी कहीं ब्लॉक करती है, इकट्ठी होती है, जिसकी वजह से शरीर में रोग होता है। और हम सालों साल, वर्षों बरस, कई बार तो पूरे उम्र तक हम इलाज कराते ही रहते हैं और वो बीमारी वही बनी रहती है, थोड़ी बहुत ठीक होती है, फिर वैसे हो जाता है, डॉक्टर बदलते रहते हैं, कई बार ऐसा ही होता है। लेकिन रेकी एनर्जी से ये होता है कि हम अपनी हीलिंग स्वयं करके हमेशा हमेशा के लिए उस बीमारी से मुक्त हो जाते हैं। तो एक बार महसूस कीजिए, क्या कुछ फर्क लग रहा है आपको? जरा इसमें बोलिए, कितना परसेंटेज में बताइए, कितना परसेंटेज में आपको आराम मिल रहा है? मतलब 1%? 1% जो है। चलिए ठीक है, अभी तो हमने 5-4 मिनट हीलिंग करी है। जब आपकी पूरी हीलिंग कर देंगे बॉडी की 1.25 घंटे, तो आप खुद हैरान रहेंगे कि पहली बार में ही करीब करीब 25-30% तक आराम आपको मिलेगा। और हर दिन आप हीलिंग करते रहेंगे, अपनी खुद की ट्रेनिंग लेते हैं, खुद ही हीलिंग करते हैं, तो हर दिन आपको उसमें आराम मिलता चला जाएगा। किसी भी तरह की कोई भी दवा खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक टाइम ऐसा आएगा।